हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम इज शिवांश पसी। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है। कल है मंडे और हम लोगों को देखना है कि आफ्टर अ वेरी पैनिक सेलिंग जो हम लोगों को लास्ट वीक पे देखने को मिल रही थी, लास्ट आर पे हम लोगों ने एक रिकवरी देखी थी मार्केट के अंदर, क्या ये रिकवरी सस्टेन कर सकती है या दोबारा फॉल देखने को मिल सकता है। सो सारी बातें करेंगे, एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो पे, बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, एक लिंक दिख रहा होगा, आपको उस लिंक को क्लिक करना है और वहां पर आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस, आपका नाम और आपका फोन नंबर डालना है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ऑलमोस्ट अभी 1700 पीपल ऑलरेडी वहां पर गूगल फॉर्म को फिल कर चुके हैं एंड उन लोगों को हमारी तरफ से वीकली रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड हो रही है ऑन देयर ईमेल। सो अगर किसी ने 11 बजे से पहले पहले सुबह एक आप लोगों को मेल भेज दिया था, हम लोगों को गूगल फॉर्म भेज दिया था, तो आप लोगों के पास एक वीकली रिसर्च रिपोर्ट आ गई होगी। सो आप लोग जाइए गूगल अपने जीमेल के अंदर, आप लोगों को मेरे नाम से या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से मिल जाएगा मेल, जाके चेक करिए गाइस, आप लोगों को मिल चुका है, बहुत नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है। और अगर किसी को नहीं मिला और अगर कोई लोग इंटरेस्टेड है नेक्स्ट वीक से, अगर आप लोग चाहते हैं, सो नीचे आप लोगों को गूगल फॉर्म है, आप लोग फिल करिए और नेक्स्ट वीक से आप लोगों को भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना रिव्यू बताएगा कि कैसा लगा आप लोगों को हमारी रिसर्च रिपोर्ट और हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा, ठीक है। एक और चीज आपके साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं गिव अवे देने की आप लोगों को, आफ्टर क्रॉसिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 100K सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं गिव अवे देने का। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं करा कि क्या देंगे गिव अवे पे, बट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लीज गाइस, 1 लाख क्रॉस करवाने में हमारी मदद करिए और आप लोगों को गिव अवे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और देखते हैं कि किस तरीके से स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स पर हम लोगों को अपनी बेट लगानी चाहिए विद लॉजिक एक्सप्लेनेशन। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक सिंपल एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक काम कर रहा है। राइजिंग चैनल के काम करने के बाद आप देख सकते हैं इसने क्या करा, एक फॉल आया, यहां पर इसने एक बेस क्रिएट करा, बेस क्रिएट करने के बाद यहां से अब ये अप मूव देने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन यहां से अब ये ब्रेकआउट दे चुका है और सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट जो इसने दिया था वो एग्जैक्ट इस कैंडल पे दिया था, उसके बाद नीचे आया, रीटेस्ट करा एंड वहां से दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट कर गया। तो अभी करंट प्राइस है इसका अराउंड 378 का। सो आप लोगों को क्या करना है, जैसी 381 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है आप लोग बाय कर सकते हैं, इट्स अ स्विंग ट्रेड। स्टॉप लॉस आपका 413 होगा, स्टॉप लॉस आपका 359 होगा, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप देख सकते हैं, आई थिंक अपने प्रीवियस हाइज तक बहुत ईजिली पहुंच सकता है। सो बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। हमारा दूसरा स्टॉक है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट भी आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा हमारे चार्ट्स पे कि एक जोन के अंदर, एक चैनल के अंदर बहुत टाइम से स्टॉक काम कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। आफ्टर अ कंसोलिडेशन हम लोगों ने देखा है यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला, एक बार नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए, जब रीटेस्ट करा तो इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एट दिस पर्टिकुलर लेवल। सो जो पहले ये आप लोगों को जोन देख रहा है ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, नाउ इट एक्ट एज अ सपोर्ट और यहाँ पर एक बढ़िया सपोर्ट है बिकॉज इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। अब यहाँ पर जो करंट प्राइस है इंडिया सीमेंट का 195 के आसपास का, ये स्टॉक मैंने आप लोगों को पहले भी रिकमेंड करा था 195 का ही टारगेट था और हम लोगों को अच्छे रिटर्न मिले थे, बट आप लोग अभी भी इसे बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पे भी, या अगर ये 1-2 रुपए की डिप भी देता है तो भी बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए सामने एक जोन और क्रिएट कर देता हूं, ये छोटा सा। सो अगर यहां पर एक बार छोटी सी डिप देने आता है 192 के आसपास, 193 के आसपास, तो भी आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट अगर ये कल के दिन ही बढ़ना स्टार्ट करता है तो आप लोग 195.5 के ऊपर अगर क्लोज हो रहा होता है तो भी आप लोग इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 202 से 205 तक के टारगेट्स है, 189 का आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना होगा, ठीक है। सो यहां पर आप लोगों को क्लियर पैटर्न समझ में आ रहा है, आफ्टर लॉन्ग रेंज ऑफ कंसोलिडेशन इट गेव अ ब्रेकआउट एंड फॉर्मड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न एंड इट स्टार्टेड टू मूव अप। सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट स्टॉक टू बाय एट दिस करंट लेवल्स। सो बात करते हैं अपने थर्ड स्टॉक की। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सन टीवी। सन टीवी में मैंने वीकली चार्ट्स आप लोगों के सामने ओपन करा हुआ है और ये एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड है जो मुझे लगता है कि बढ़िया रिटर्न्स आने वाले टाइम पे हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले मैंने ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। इस ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन पर आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद हम लोगों ने देखा था दिसंबर 2020 पे इसका एक क्लियर ब्रेकआउट आया था ना वीकली टाइम फ्रेम। जब एक ब्रेकआउट आया था, आप यहां देख सकते हैं इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट देने के बाद भी यहां पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट करा, आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा।
प्लस आप देख सकते हैं ये मैंने एक जोन क्रिएट करा हुआ है। सो इस जोन के ऊपर ये अक्टूबर 2019 से ऊपर निकला ही नहीं है एंड आफ्टर अ लॉन्ग रेंज यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है एग्जैक्ट अपने हायर लेवल्स पे, जो कि आ रहा है 550 से 560 रुपीस के आसपास तक का। अब हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग 15 मिनट की कैंडल का क्लोज होने का वेट नहीं करेंगे, हम लोग 1 आवर की कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 560 के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है हम लोग यहाँ पर एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं। 640 का हमारा टारगेट होगा एंड 520 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग ब्रेकआउट की बात करेंगे तो उससे पहले जो स्विंग हाई था वो हमारा टारगेट होगा जो कि 640 का है, और मुझे लगता है 700 तक बहुत इजीली भी जा सकता है विद इन अ कपल ऑफ वीक्स। आप इस स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सिग्निटी। सिग्निटी टेक्नोलॉजी है ये पर्टिकुलर स्टॉक। आप लोगों ने शायद इस स्टॉक के बारे में, नाम के बारे में नहीं सुना होगा, बट मैं इसको थोड़े टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैंने एक वीकली चार्ट्स ओपन करे हुए हैं और 2015 पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। आप देख सकते हैं 2014 पे इसकी लिस्टिंग हुई थी एंड जिस लेवल से लिस्टिंग हुई थी थोड़ा सा ही ऊपर गया था, उसके बाद से नीचे ट्रेड कर रहा है। सो ऑलमोस्ट 6 साल बाद यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट आएगा। सो आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन इसका एक ब्रेकआउट आने वाला है, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आने वाला है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो बहुत तेजी से ये मूवमेंट करेगा और बहुत जल्दी इसके हायर लेवल्स हमें लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जैसा स्टॉक मैंने आप लोगों को वॉक फार्मा दिया था ना, जब फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था बट वॉक फार्मा नहीं बढ़ रहा था, और जब उसने ब्रेकआउट दिया तो वो कितनी तेजी से बढ़ा था। सेम गोज विद हेयर, यहां पर भी बहुत टाइम से ये नहीं बढ़ रहा बट टेक्नोलॉजी सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, बट अब ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। इसका कंफर्मेशन मुझे और अच्छे से कैसे पता चला, जब मैंने वॉल्यूम्स को चेक करा। आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो कम से कम आप यहां देखिएगा वॉल्यूम्स देख रहे हैं कितने तेजी से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत तेजी से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं व पास्ट कपल ऑफ वीक से। यहाँ पर एक हायर चांस है कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ऑलमोस्ट अच्छी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट्स क्या है। सबसे पहले अगर बात करूँ तो करंट प्राइस है 491 का, 492 का, 495 के ऊपर हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट करेंगे, बस 30 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए तो ही बाय करेंगे। दूसरी बात, जो हमारा टारगेट होगा वो 650 रुपीस का होगा। वो टारगेट कैसे फाइंड करा गया, आप देख रहे हैं ये जो टॉप है और ये जो बॉटम है इसका जो डिफरेंस है वही हमारा टारगेट होगा। ठीक है, तो हमने जो टारगेट फाइंड करा 650 से 700 के आसपास तक का टारगेट आ रहा है। स्टॉप लॉस हमारा है 430 रुपीस का और ये हमने वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के यूज से स्टॉप लॉस फाइंड करा है। इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप लोग अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर 490 या 5 या तो एक साइकोलॉजिकल लेवल ले लो, 500 रुपए के ऊपर मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, 500 रुपए क्योंकि 150 रुपीस का ऊपर टारगेट है तो रिटर्न्स बढ़िया है। ठीक है, तो 500 रुपीस के ऊपर भी अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो भी आप लोग बाय कर सकते हैं। स्टॉक मुझे लगता है कि ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है और बढ़िया रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। हमारा लास्ट स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। ये मैंने आप लोगों को 40-50 रुपीस पे भी बाय करने की सलाह दी थी एंड हमारा 4400 रुपीस का टारगेट था जो कि अचीव कर गया था। अब ये दोबारा आया है और दोबारा हम लोगों को एक बाय सेटअप ले लग रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली पता है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जब ब्रेकआउट देखने को मिला तो जो भी इसके प्रीवियस हाइस थे उसको क्रॉस करके क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया था, एक फॉल्स ब्रेकआउट था, नीचे आया, नीचे आता तो ये अपने प्रीवियस लोस को भी ब्रेक कर देता। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, ये दोबारा यहाँ पर रिकवर करो और बहुत तेजी से ऊपर गया एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक करा। आई थिंक स्टॉक पॉजिटिव है, थोड़ी से इसको इनिशिएटिव चाहिए, यहाँ से और अच्छे लेवल्स आ सकते हैं। सो करंट प्राइस है इसका 4427 रुपीज़ का, 4435 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 4600 रुपीज़ का टारगेट होगा एंड 4370 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ये स्टॉक मुझे लगता है कि कल के कल भी आप लोगों को बढ़िया रिटर्न्स प्रोवाइड करवा के चल सकता है। सो आई होप आप लोगों को मैंने जो भी सारे स्विंग ट्रेड्स प्रोवाइड करवाए हैं आप लोगों को उस पर ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट्स मिले। आप लोगों को हमारा इनिशिएटिव, हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है तो आप हमें इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे ही सब्सक्राइब करके हमारा देखते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, हम लोग गिव अवे स्टार्ट करेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकती है। सो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। यहां पर आप लोगों को सबसे पहले एक चीज क्लियरली दिख रही है कि ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली इट्स मेकिंग हायर हाइस एंड हायर लोस। आप देख रहे हैं ना, Continuously it's making higher highs and higher lows. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देख सकते हैं exact यहाँ तक market आई, उसके बाद continuously it's making lower lows and lower highs. So यहाँ पर जो trend था वो change हो गया था।
बट ये जो लेवल था, जिस लेवल से एक शार्प अपमूव आई थी, ये लेवल को ब्रेक नहीं करा और यहां पर सस्टेन कर गया। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, अब यहां पर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, हमें बस सबसे पहले एक चीज को समझना है। तो इसके लिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। सो जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हम लोग एक चीज को देख रहे हैं कि ये एक बार भी अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं कर रहा। अब देख रहे हैं अपने प्रीवियस हाइस को ये कभी भी ब्रेक करके ऊपर जा ही नहीं रहा है। सो हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं क्लोजिंग एग्जैक्ट इस प्राइस पे हुई है और प्रीवियस हाई इसका एग्जैक्ट इस प्राइस पे है। सो अभी करंट प्राइस है निफ्टी का 15,720 के आसपास का, और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो है 15,760 रुपीज़ का। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अपने प्रीवियस हाइस को कभी ब्रेक नहीं करता और लो को ब्रेक करके नीचे चले जाता है। अगर ये 3 बार अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि 3 बार हम लोग देख रहे हैं ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि चौथी बार भी ऐसा हो जाए। ठीक है, बट हम लोग कॉशियस के लिए साथ ही ट्रेड करेंगे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल ऊपर जाती है तो देयर इज अ हाई चांस कि जो ये फॉल था, जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड था, ये सिर्फ एक टेम्पररी था और यहां से एक अप ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो सकता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, दोबारा प्रीवियस एक हाई बन सकता है। अब मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस पे बताया था, जब हम लोगों ने इंडिया विक्स के साथ निफ्टी का कंपैरिजन करा था, हम लोगों ने देखा था कि जब इंडिया विक्स 12 को टेस्ट करेगी वहां पर एक हैवी सेलिंग प्रेशर आने वाला है, एक हैवी सेलिंग प्रेशर आएगा, उसके बाद वो 17 तक पहुंच जाएगी इंडिया विक्स, वहां पर मार्केट कूल ऑफ हो जाएगा, उसके बाद मार्केट एक दोबारा हाई बनाएगा, दोबारा हाई बनाने के बाद वो बहुत तेजी से दोबारा फॉल करेगा। सो मार्केट नीचे आया, मैंने देखा इंडिया विक्स ने 17 का लेवल भी छुआ, उसके बाद अभी कूल ऑफ करके ऊपर जा रहा, प्रोबेबली मुझे लगता है अपना नया हाई भी बना सकता है। ठीक है, सो हमें बाय कब करना है, हमें बाय करना है जब प्रीवियस हाई का लेवल ब्रेक करेगा। जब प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा मतलब 15,760 को 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, हम लोग बाय कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा 15,820 होगा, 15,890 का होगा। ठीक है, अब हम लोगों को शॉर्ट कहाँ करना है, हम लोगों को शॉर्ट करना है। देखिए अब ये ऊपर अगर ये कल ही गैप डाउन खुल जाता है, कल अगर गैप डाउन खुल जाता है और अगर 15,680 के लेवल के नीचे, मतलब इस लेवल के नीचे हम लोग देखते हैं कि ये खुलता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये देख रहे हैं इस लेवल के नीचे अगर ये खुलना स्टार्ट होता है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो हम लोग एक शॉर्ट पोजिशन बना के चल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्ट पोजिशन बना के चलेंगे तो हमारे जो टारगेट्स होंगे वो टारगेट्स होंगे प्रॉबेबली, फर्स्ट टारगेट इज दिस, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ठीक है, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकेंड टारगेट ये होगा एंड थर्ड टारगेट ऑलवेज ही हमारा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, मैं आप लोगों के सामने एक रेंज बना रहा हूं, इस रेंज पे हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये एक छोटी सी रेंज है 15,680 से लेके 15,760 तक, हमें इस रेंज के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेना। नीचे ब्रेकडाउन 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम लोगों को 3 टारगेट्स पता है, ऊपर क्लोज करती है तो हमारे पास 2 टारगेट्स हैं। ठीक है, इस पे हमें इस तरीके से ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है, बैंक निफ्टी पे एक बढ़िया सा सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिला है। वो क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, अपने सारे लोस को कनेक्ट करते हुए जब मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा तो हमें पता चला कि एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन का लो था, टेस्ट करा ट्रेंड लाइन को, उसके बाद वहां से बहुत तेजी से बाउंस करा। इसके अलावा अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो इसने क्या करा है, ये देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, जब इसने इस रेजिस्टेंस का इस लेवल से एक ब्रेकआउट दिया तो वहां पर पहली बार यहां पर एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है और यहां से शायद बाउंस कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो एक लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है कि ये एक हर्डल बन सकता है जो कि 35,700 रुपीज का है, जो कि ऑलमोस्ट यहां से 1100 पॉइंट्स की अप मूव में है। सो आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी आप लोग क्लियरली देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है, अपने प्रीवियस हाइज को इसने भी अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। सो यहाँ पर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, एक हाई ये था, सेकेंड हाई हमारा ये था एंड थर्ड हाई हमारा ये लेवल था। ठीक है, सो अब हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है, करंट प्राइस है बैंक निफ्टी का 34,700 के आसपास तक का, अगर ये 34,780 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 35,000 तक भी जा सकता है। अब आप देख सकते हैं ये छोटा सा गैप है, इस गैप को भी फिल करने आ सकता है जो कि 35,4,950-960 के आसपास तक का है। ठीक है, बट आई थिंक ये अच्छे लेवल्स दे सकता है, अगर आप 34,780 के 15 मिनट की कैंडल का क्लोज करने का वेट करोगे तो आप लोगों को यहां से 100 से 200 पॉइंट बहुत इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, बट अगर एक गैप डाउन देखने को मिलता है और गैप डाउन हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल,
ठीक है, इसको मैं रेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर हम लोगों को गैप डाउन या नीचे जाना स्टार्ट करता है और 34,560 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो आप लोग वहाँ पर भी एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो और वहाँ से भी आप लोगों को 300-200 पॉइंट इजीली बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड में दे सकता है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को लो एक रेंज दिखा देता हूँ, इस रेंज पर कोई ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये एक रेंज है जो कि रेंज आ रही है 34,560 से लेके 34,780 तक की रेंज। ब्रेकआउट ऊपर 15 मिनट की देता है तो बाय कर सकते हैं, 15 मिनट की नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप लोगों को हमारी व्हाट्सएप पे डिटेल्स चाहिए, मतलब अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से दोबारा, सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस दूसरी चीज़, अगर आप लोग एंजल ब्रोकिंग में अभी अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप लोग जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हैं। प्लस वो लोग डिलीवरी पे, गाइस यस, डिलीवरी पे 4 times का मार्जिन दे रहे हैं, यानी कि अगर आप आज स्टॉक बाय करते हो तो आप लोग 1 महीने तक होल्ड कर सकते हो 4 गुना मार्जिन लेके, और उस पर आप लोगों को 7th of July तक कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे अकाउंट का लिंक है, अभी जाइए अकाउंट ओपन करवाइए, 15 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है और 1 घंटे पे आपके पास लॉगिन की क्रेडेंशियल्स आ जाएंगी। 24 घंटे का टाइम यहाँ पर है ही नहीं। सो अभी जाइए ओपन करवाइए एंड गूगल फॉर्म भरिए, तो नेक्स्ट वीक से आप लोगों को डेली वीकली रिसर्च रिपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइज, वीडियो पसंद आई, हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आई, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।